दो करोड़ का हनी ट्रैप मामला, पत्रकार निकलिया इस घपले का मास्टरमाइंड, मां धी ते पत्रकार रल के किया वड्डा कांड, 70 तो 80 लोगों को किया ब्लैकमेल, हुण तक पीड़ितों तो ले चुके ने 2 करोड़ रुपए। पहला मां धी बिछाउंदियां ने जाल, भोले भाले लोगों का करदियां सी शिकार, कमरे च ले जाके बना लेंदियां सी अश्लील वीडियोज, बाद च पत्रकार अपने साथियों नाल रल के दिंदा सी लोगों नूं धमकियां, फिर आप भोले भाले लोगों नाल जाके पत्रकार एटीएम चों कढवाउंदा सी पैसे। सबूत दे तौर ते एटीएम दी सीसीटीवी तस्वीरां आईयां सामने। बीजेपी आगू ने यह सारे इल्जाम लगाते हुए दर्ज करवाया पर्चा। इत्थे एक तरह का एक ब्लैकमेलिंग का गुरु हरसाई च एक धंधा चल रहा, जिदे विच कुछ लेडीज हैगियां ते जिहड़ियां की करदियां कि शाम को तैयार होकर सड़क ते खड़दियां, इत्थों किसी ना किसी बंदे नूं रगला के अपने घर लै जांदियां, फिर वह बंदियां नूं सैक्सुअलिटी वास्ते रेडी करके उन्हां दी न्यूड करके वीडियो बनाई जाती है, फिर उन्हां तों उन्होंने ब्लैकमेल करके उन्हों तो पैसे ले जाते हैं, पैसे ठगे जाते हैं। और कल मैं पता लगन से मैं वीडियो पाई सी, फिर मेरे नाल एक बंदे ने संपर्क किया, फिर असी माणयोग SHO साहब दे सारा मामला ध्यान च लिया, बकायदा उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, फिर कल SSP साहब दे ध्यान च लिया, DSP साहब दे ध्यान च लिया, तो उहदे विच की होया कि एक 265 नंबर FIR गुरु हरसाई थाने दे विच कल असी दर्ज करवाई है उन्होंने खिलाफ। एक्चुअली की हैगा कि एक तरह का मतलब इन कह सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग का एक रैक्ट है, ये गुरु हरसाई के कुछ पत्रकार भी इनवॉल्व है, जिदे एक पत्रकार मिंटू कंधारी बकायदा ये असी बाय नेम है जिहड़ा जिदे ते परचा दर्ज करवाया, तो कुछ तुहानू मैं प्रेस नूं ये कापियां भी दे दूंगा FIR दियां, तो इहदे ते बकायदा बाय नेम परचा दर्ज करवाया। यह की होया कि इहनूं संदीप सिंह नूं 10-15 दिन तो कोई लेडी फोन कर रही सीगी, तो इहदे नाल उह रोमांटिक गल्लां कर रही सी, सारा कुछ कर रही सीगी, तो फिर इहनूं घर बुलाया, जदों इह घर गया तो फिर उन्होंने जनानी ने इहनूं घर वाड़ के उधरों पत्रकार बुला ले, एक मिंटू कंधारी सीगा, एक उहदे नाल इक अणपछाता पत्रकार होर सीगा जिहदी पछाण आउण ते जिहदे जिहनूं उहनूं वी असीं FIR दे विच उहनूं नामजद करावांगे, तो उन्होंने इहदी वीडियो बनाई, वीडियो बना के फिर इहनूं ब्लैकमेल किया, तो मिंटू कंधारी बकायदा नाल जाके ATM तो इहदे ATM तो पैसे कढ़वा के लिया, उहदी फुटेज भी ATM दी असीं नाल पुलिस नूं दे रहे हां, सारा कुछ कर रहे हां। और सैकंड थिंग तुहानूं मैं दसनी चाहुंदा हां कि कल इह FIR दर्ज होण तों बाद मेरे नाल घट्टो घट 10 तों 15 लोगों ने संपर्क किया, जिहदे विच्चों 5 तों 6 एफीडेविट साडे कोले आ गए आ, इन्हां बंदिआं ने जिम्मेवार लोगों नूं टारगेट किया, जिहड़े पिंडां दे जेंटल बंदे आ उन्हां नूं टारगेट किया, उन्हां दे नंबर लए जांदे आ, नंबर लैके बकायदा उन्हां नूं फोन कॉल कराईआं जांदीआं, फोन कॉल करा के ते फिर उन्हां नूं बुला के ते उन्हां ने उन्हां नूं ब्लैकमेल किया जांदा। इह घट्टो घट 1.5 तों 2 करोड़ रुपए का स्कैंडल आ, 70 तों 80 केस कल्ले गुरु हरसाई शहर दे आ, बाकी जिहड़े आसे पासे दे आ उह वक्खरे आ। इहदे विच इक पत्रकार तां बकायदा इहदे विच मैंशन हो गया FIR दे विच, जिहड़ा अणपछाता उहदा पता करा के उह वी असीं नामजद करा लांगे। 2 पत्रकार होर ने जिन्हां ने मैं अजे नाम नहीं जनतक करना चाहुंदा, ना मैं अजे उन्हां बंदिआं ने नाम जनतक करना चाहुंदा जिन्हां दे मेरे कोले एफीडेविट ने, क्योंकि जे नाम जनतक करांगे फिर उन्हां बंदिआं वल भज्जणगे ते उह सारा सिस्टम आ जिहड़ा खराब हो जाएगा। मिंटू कंधारी मतलब कह रहे हैं कि कोई जन्नत टीवी हैगा जिहदा ये पत्रकार आ, हुण वो जन्नत टीवी कितों अप्रूवड हैगा नहीं हैगा गॉड नोज, पर यह अपने आप नूं किसे जन्नत टीवी का यह पत्रकार दसदा, तो जिहड़ा दूजा पत्रकार आ वह भी पता लग जाएगा कौन आ, वह भी तुहानूं सारा खुलासा आपां आने वाले दिनों दे विच कर देंगे। रात द्वारा SSP साहब नाल गल हुई सी, वह छुट्टी ते ने, मंडे बकायदा असीं उन्हां नूं मेमोरेंडम देवांगे, मेमोरेंडम दे के ते फिर जिहड़ा हैगा सारा जिहड़ा अगला मामला ध्यान च लवांगे। एक गल तुहानूं मैं होर गल दसां, इह लेडी आ जिहड़ी जिहदे ते परचा दर्ज होया सुंदरी नाम दी लेडी आ, इहदी इन्नी दहशत आ लोगों के विच, कोई बंदा डरदा, ईवन पुलिस भी इन्हां ते कल परचा दर्ज करके राजी नहीं सी, कल जिहड़े थानेदार नूं इह दरखास्त मार्क होई आ ना उह भी उह भी इन्हां दी उन्हां तों इन्ना डरिया होया सी, इन्हां ते परचा नहीं सी दे रहा, फिर सानूं रात नूं दुबारा फिर कप्तान साहब नाल गल करनी पई, DSP साहब नाल गल करनी पई, रात नूं 10 बजे इन्हां दे खिलाफ परचा दर्ज कराया। और ये बंदे
ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ।